Good morning student, this is your mathematics lecture and today we are going to learn new topic second number work. तो अभी हम इस lesson में number work सीखने वाले हैं. You have learned to read and write number in the decimal system using the 10 digit from 0 to 9. तो हम सबको पता है कि decimal system क्या है, decimal number क्या है. तो जो हम number लिखते हैं 0 to 9 ये सब क्या होते हैं, डेसिमल नंबर. 0 to 9 यूज करके हम बाकी सब नंबर लिखते हैं 10 डिजिट तक. अभी यहाँ पे हमारा है प्रॉब्लम सेट 2. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट 10 ईच ऑफ 2 3 4 एंड 5 डिजिट नंबर, रीड द नंबर. तो आपको क्या करना है, ये सब नंबर यूज करके 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर लिखना है. तो आपको 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट ये 10 टाइम लिखना है आपको, 10 नंबर लिखने. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 डिजिट लिखने के लिए आपको यूनिट और टेंस लिखना है. तो आपको क्या क्या दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है. तो फर्स्ट नंबर क्या बनाते हैं हम, 1 0 10, सेकेंड 23 34 45 67 78 89 7 हो गए. इस तरह आपको 10 बार 2 डिजिट नंबर लिखना है, 10 23 34 45 67 78 89 99 1975. आप कोई भी नंबर बना सकते हैं. उसी तरह आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है. तो हम फर्स्ट बनाते 1 0 2 3 2 1 4 5 6 7 4 5. अब नंबर आपको रिपीट नहीं करना है, 7 8 9 8 9 0 7 5 2. इस तरह आपको 10 बार लिखना है 3 डिजिट नंबर. और इसको रीड कैसे करते हैं, 102 321 456 745 789 890 752. अब उसी तरह हमें 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर लिखना है. तो 4 डिजिट के लिए हमें क्या, यूनिट 10 100 और 10 1000. तो अभी हमें नंबर क्या लिखना है, 1 0 2 3. इस तरह आप 9 तक कोई भी नंबर यूज़ करके आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, 3 0 5 6 7 8 1 9 9 6 4 2. इस तरह आपको 10 बार 4 डिजिट नंबर लिखना है. अब हम देखते हैं 5 डिजिट नंबर. तो हमें लिखना है 1 0 2 4 5 6 7 2 1 4 9 2 8 7 3 5 0 6 20
वन। तो अब हम देखते हैं 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर रीड कैसे करते। फर्स्ट 4 डिजिट नंबर, तो हमें क्या बोलना है, अभी ये 1000 है तो 1023, 3056, 7819, 9642। इस तरह आपको 4 डिजिट नंबर रीड करना है। और आपको ये 10 बार लिखना है, मैंने आपको 4 बार दिया है। 5 डिजिट नंबर कैसे रीड करते देखिए, अभी क्या है ये 1000 के बाद 10,000, तो ये क्या हुआ 10,245, 67,214, 92,873, 50,621। इस तरह आपको रीड करना है। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। तो आपको ये टेबल में जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिल करनी है। अभी यहाँ पे दिया है देवनागरी नंबर, मतलब देवनागरी लिपि देखिए ऐसे लिखी जाती है, जैसे मराठी में लिखते हैं ना उस तरह, उसे हम देवनागरी नंबर बोलते हैं। और ये इंटरनेशनल नंबर मतलब इंग्लिश में हम लिखते हैं, सेम नंबर होता है सिर्फ ये मराठी में लिखते हैं और ये इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है 2359, उसी इंटरनेशनल नंबर में लिखा है और वर्ल्ड में लिखा है। अभी यहाँ पे भी आपको लिखा है दिया है 32,756, तो आपको ये इंटरनेशनल नंबर में लिखना है और यहाँ पे वर्ल्ड में लिखना है। इस तरह आपको सॉल्व करना है। थर्ड वन क्या है, देवनागिरी में आपको लिखना है 67,859 और यहाँ पे वर्ड में लिखना है। नेक्स्ट है 1034, तो आपको इंटरनेशनल नंबर में लिखना है और यहाँ पे वर्ड में लिखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है 27,895, तो आपको यहाँ पे देवनागिरी और इंटरनेशनल नंबर में लिखना है। ये आपको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एज अ पार्ट ऑफ अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट जिला परिषद स्कूल मेड एंड प्रोवाइड पेपर बैग टू प्रोविजन स्टोर एंड ग्रीन ग्रोसर, रीड द तालुका वाइज नंबर ऑफ द बैग एंड राइट द नंबर इन द वर्ड। तो यहाँ पे प्लास्टिक प्रोजेक्ट अवॉइड करने के लिए जिला परिषद स्कूल ने क्या किया है, पेपर बैग बनाई है और वो प्रोविजन स्टोर और ग्रीन ग्रोसर के यहाँ दी गई है, तो हर तालुके में दी गई है। तो यहाँ पे तालुका और वो नंबर दिए हैं जो आपको वर्ड में लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, कोपरगाँव, कोपरगाँव को कितने दिए हैं 12,740, तो आपको ये वर्ड में लिखना है। नेक्स्ट क्या है, शेगांव, शेगांव को कितने दिए 28,995, ये भी आपको वर्ड में लिखना है। थर्ड वन है कर्जत, कर्जत को कितने दिए 31,608। नेक्स्ट है संगमनेर, तो उनको कितने दिए 10,972, ये सब आपको वर्ड में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी रुपीस डू दे मेक, देखिए कितने रुपीस होते हैं आपको देखना है। फर्स्ट में क्या है 20 नोट्स ऑफ 100 रुपीस, 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीस एंड 14 नोट ऑफ 10 रुपीस। तो देखिए 20 नोट्स ऑफ 1,000 रुपीस के दिए, तो हमें क्या करना होगा 20 × 1,000 कितना होता है 20,000, 5 notes of 100 rupees, तो 5 × 100 कितना होता है 500, और 8 notes of 10 rupees, तो 8 × 10 मतलब 80। तो ये 20,000 है, ये 500 है,
और 80 है। तो आपको ये एक साथ कैसे आप लिखेंगे, 5 डिजिट नंबर है तो 5 डिजिट नंबर के लिए हम कैसे लिखते हैं, 10,000, 1,000, 100, 10s और यूनिट तो 20,000 है। यहाँ पे 2,0,580, 100 के लिए 5 है ना, 100 में तो इसलिए एच में आएगा 5, टेंस में 8, 0 तो आपको कैसे लिखना है, 20,580 रुपीज़। उनके कितने रुपीज़ हो गए, 20,580 रुपीज़। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 notes of 1,000 rupees, 12 notes of 100 rupees, 8 notes of 10 rupees and 5 coins of 1 rupees। तो हमें क्या करना है, 15 notes of 1,000 है तो 15 into 1,000 करना है, कितना हुआ 15,000। उसके बाद 12 into 100 करना है क्योंकि 12 notes of 100 है तो कितना हुआ 1,200। 8 into 10 मतलब क्योंकि 8 notes of 10 rupees है तो कितना हुआ 80। नेक्स्ट क्या है, 5 coin of 1 rupees तो 5 into 1 कितना हुआ 5। तो आपको ये अभी लिखना है कितना है, 15,1,281। तो आपको कैसे लिखना है, 1,000 में क्या है 15, तो आपको यहाँ पे लिखना है 15,1,285। ये देखिए 15,1,285। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 4,5,0,3,7,1 ओनली वंस। तो आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है ये नंबर यूज करके। तो देखिए हमें ये नंबर यूज करने हैं और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो पहले हम लार्जेस्ट बनाते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए इस नंबर में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 7। तो फर्स्ट हमें लिखना है 7। 7 के बाद स्मॉल क्या है 5, तो फिर हमें लिखना है 5। उसके बाद स्मॉल क्या है 4, उसके बाद 3, उसके बाद 0। तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 75,430। ठीक है, अभी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें स्मॉल नंबर पहले यूज़ करने, पर 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता है, 0 है स्मॉलेस्ट पर उससे कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता। तो 0 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4, नेक्स्ट 3 के बाद हमें 0 यूज़ करना है, उसके बाद 4, नेक्स्ट क्या है 4 के बाद 5, नेक्स्ट 7। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया, 30,457। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द नेम ऑफ सम प्लेस एंड देयर पॉपुलेशन आर गिवन बिलो, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अभी यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिए और उनका मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए, उनके पॉपुलेशन बताया है कितना है और उसके बाद हमें एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ताला का पॉपुलेशन है 40,642, मोरगाँव का है 87,012, अष्टी का है 76,201,
गगन बावड़ा का है 35,777, भामनगढ़ का है 35,950, वाशी का है 92,173, बोधवाड़ा का है 91,256, वेले का है 54,497, मोरवाड़ा का है 85,890। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच प्लेस हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, व्हाट इज इट पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लार्जेस्ट है हमें देखना है। तो देखिए वाशी का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है क्या, क्योंकि ये नंबर बड़ा दिया है। तो वाशी का पॉपुलेशन कितना है, 92,173। तो कौन सा प्लेस है जिसका ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन है, वाशी, और कितना है वो भी लिखना है, 92,173। नेक्स्ट क्या है, विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरगांव हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। अभी मोरगांव और मोरवाड़ा देखते हैं उसमें से ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, तो किसका है, मोरगांव का 87,012। ओके, नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, विच प्लेस हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इट इज़, कौन सी जगह का बहुत कम पॉपुलेशन है। तो देखिए गगन बावड़ा का पॉपुलेशन सबसे कम है, 35,777। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सेट 2 ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छे से देख के ये प्रॉब्लम सेट 2 सॉल्व करके सेंड करना है। थैंक यू।